डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th की सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन। अब उस हेलो एल्केन हेलो बेंजीन में हम लोगों ने जो पिछले क्लास में डिस्कस कर रहा था, जिसका नाम था फ्रीऑन के बारे में, तो फ्रीऑन में हम सबसे पहला टॉपिक्स लिख चुके थे कि इसे सीएफसी भी कहा जाता है, और सीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो फ्रिज से निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको टेट्रा क्लोरोमेथेन भी बोलते हैं, या टेट्रा क्लोरोकार्बन भी बोलते हैं, ठीक है, या कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी बोलते हैं। तो ये फ्रियोन क्या है, तो सीएफसी को ही हम लोग फ्रियोन कहते हैं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। अब फ्रियोन के नीचे दूसरा एरो देंगे, लिखेंगे फ्रियोन के उपयोग निम्नलिखित है, पहला इत्र के रूप में, इत्र मतलब सेंट, इत्र के रूप में, दूसरा प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक बताया ना, फ्रिज को बोलते हैं, प्रशीतक के रूप में, तीसरा प्लास्टिक फॉर्म के निर्माण में, तो बोला गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग फ्रियोन कहते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कहां कहां करते हैं, तो पहला जो हम लोग इत्र सेंट मारते हैं ना कोई फंक्शन में जाने के लिए, ठीक है, तो उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, यानी कि उसमें भी फ्रियोन होता है दोस्तों, ठीक है। और ये फ्रियोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हम जब इस्तेमाल करते हैं ना, तो चूंकि ये ओजोन से हल्का होता है और ये ओजोन को तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास करता है, हम लोग 11th में तो सीखे ही हैं कि ओजोन का क्षय कैसे हो रहा है, हम लोग दिन प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा इत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन्हीं वजहों से उससे निकलता है क्लोरोफ्लोरो नामक एक गैस, जिसको फ्रियोन भी बोलते हैं, और ये ओजोन को तोड़ता है, और इसके विपरीत हम लोगों को सूर्य के रोशनी में, प्रकाश में पाई जाने वाली हानिकारक किरणें, जिसका नाम है पराबैंगनी किरणें, वो डायरेक्ट हमारी त्वचा पे पड़ रही है और त्वचा कैंसर जैसी भयानक रोग उत्पन्न कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं हानि भी है। तो हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ लिख सकते हैं कि इत्र के रूप में उपयोग करते हैं, प्रसिद्ध मतलब फ्रिज के रूप में, और दूसरा तीसरा कि प्लास्टिक फॉर्म भी बनता है, और आप जानते हैं ना प्लास्टिक को जलाते हैं तो कितना वातावरण प्रदूषित होता है, तो कहीं ना कहीं इसका हानि भी है। तो इसका उपयोग तीन जगह याद रखिएगा, इत्र के रूप में, फ्रिज के रूप में, प्रसिद्धक के रूप में, और प्लास्टिक फॉर्म को बनाने में। अब उसके आगे हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट एरो, फ्रीऑन से निम्नलिखित हानियां हैं, फ्रीऑन से निम्नलिखित हानियां हैं, पहला पहला में लिखेंगे इत्र या प्रसितक के अत्यधिक उपयोग से सीएफसी की मात्रा अधिक निकलती है, जिसके कारण ओजोन परत का
ओजोन परत का क्षय हो रहा है, ओजोन परत का क्षय हो रहा है, अतः अतः हमारे शरीर पर पड़ने वाले अतः हमारे शरीर पर पड़ने वाले पराबैंगनी किरणें हानि पहुंचाते हैं। दूसरा में लिखिएगा ये हानि, निम्नलिखित हानि है लिखे है ना, तो पहला वाला में लिखे, दूसरा में लिखिएगा इसके उपयोग से, इसके मतलब किसके, फ्रियोन के, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रियोन के उपयोग से मोतियाबिंद या त्वचा कैंसर होने की संभावना, त्वचा कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों जैसा कि हम लोग अभी पढ़े कि फ्रियोन क्या है, तो फ्रियोन एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित कहां से होता है, तो हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं फ्रीज सेंट इत्र, उससे एक गैस निकलता है जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियोन कहलाता है, ठीक है। अब फ्रियोन का उपयोग कहां कहां है, तो वही या तो प्लास्टिक फॉर्म बनाने में, इत्र के निर्माण में या इत्र में, फिर फ्रिज में, प्रसितक में। दोस्तों इसका तो उपयोग तो है, हम लोग कर भी लेते हैं, आदिमानव कर भी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका हानि भी है। अब हानि क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे दिन प्रतिदिन आंख की क्षमता घट रही है, मेरा ही देख लो, इतना जल्दी पावर का चला जाना, लेकिन उतना पावर नहीं गया कि मतलब देख नहीं पा रहे तुम्हें तो, लेकिन ना मात्र गया है मेरा अभी, उतना जाना नहीं है, लेकिन ये लेंस यूज करने से मतलब ज्यादा बढ़ेगा नहीं, ऐसा मतलब डॉक्टरों का सलाह है, तो हम यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि दिखता नहीं, लेकिन दिन प्रतिदिन हम लोगों को क्या हो गया, क्षमता धीरे धीरे घट रहे। क्यों, क्योंकि अब पेड़ पौधे कम हैं, दूसरी बात पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ यंत्र पे डिपेंड हैं, हम लोग वर्क कहां कर रहे हैं, सब चीज तो हमारा मशीन कर रहा है। आप अब ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज वाला पानी पियोगे तो उससे क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलेगा, और जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलेगा तो ये इतना हल्का होता है कि ओजोन से भी उच्च ऊपर उठना चाहता है, और सिवाय इसके क्या करता है, ओजोन का परत में कई बार ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन धक्का मारता है ताकि हम ऊपर हो जाए और ऊपर जाए, क्योंकि हल्का होता है और कोई भी हल्की वस्तु हमेशा ऊपर जाना चाहता है, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब कि इसी के वजह से क्या होता है, तो ओजोन को तोड़ देता है कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन को तोड़ दिया, तो ऐसे हो गया ब्रेक। अब जैसे ही ब्रेक हो गया दोस्तों, ऊपर है सन सूर्य, और सूर्य में देखो ओजोन का एक गुण है कि उसमें जो हानिकारक किरण रहेगी ना सूर्य में, वो डायरेक्ट ऊपर ही ऊपर लौटा देती है, सिर्फ यहां जो पृथ्वी पर जीव है उनके लिए जो लाभदायक किरणें हैं सिर्फ उन्हीं किरणों को आने देती है ओजोन, लेकिन दिन प्रतिदिन हम लोग ओजोन को तोड़ रहे हैं। इसके सिवाय अब पराबैंगनी किरणें रुक नहीं रही है, सिवाय धरती पे आ रही है, मानव जीवन पे पड़ रही है, और दोस्त यही कारण है कि बहुत जल्दी मोतियाबिंद यानी आंखों का एक रोग है जिस पे ऊपर माड़ी छा जाता है, ये रोग होने का डर रहता है, त्वचा कैंसर, खाज, खुजली, दाद, ये सब होने लगता है। इसके वजह से
तो सूरज में एक हानिकारक किरणें पाई जाती है जिसका नाम है पराबैंगनी किरणें, और वो ही किरणें हमारे शरीर पर डायरेक्टली पड़ रही है और ये हम लोगों को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सीएफसी यानी कि फ्रियोन का कुछ हानि था। अब आइए हम लोग चलते हैं डीडीटी के बारे में पढ़ते हैं। अब ये डीडीटी क्या है, टॉपिक देंगे डीडीटी। डीडीटी आप बहुत सारे सुने होंगे कि डीडीटी का छिड़काव कीजिए। ये डीडीटी क्या है दोस्त, तो डीडीटी एक कीटनाशक दवाई होता है। ठीक है, डीडीटी एक कीटनाशक दवाई है जो कीटाणुओं को मारने का काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले डीडीटी का फुल फॉर्म देख लेते हैं कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, और डीडीटी का फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, डीडीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। ठीक है, इसका नाम क्या है, डीडीटी का पूरा नाम यहां पे है, देख लीजिएगा। तो डीडीटी का पूरा नाम क्या है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट अरब में क्या लिखे हैं डीडीटी के बारे में, कि डीडीटी का पूरा नाम क्या है, तो एक डी से हो गया आपका डाइक्लोरो, एक डी से हो गया डाइक्लोरो, दूसरा डी से हो गया डाइफेनिल और टी से हो गया ट्राइक्लोरो एथेन। यानी कि एथेन हम लोग जोड़ देते हैं, लेकिन मामला कहां तक है, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, डी मतलब हो गया डाइक्लोरो, फिर दूसरा वाला डी का मतलब हुआ डाइफेनिल और तीसरा टी का मतलब हुआ ट्राइक्लोरो एथेन। देखते हैं कि आखिर ये इसका फार्मूला क्या होता है। तो डीडीटी का तो समझ गए कि डीडीटी क्या है, तो एक कीटनाशक दवाई है हम लिखेंगे, इसका छिड़काव किया जाता है। अक्सर हमारे किसान लोग जो घरों में मतलब खेतों में उगाते हैं ना सब्जी वगैरह, वो डीडीटी का छिड़काव करते हैं। ठीक है, तो डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, याद रखिएगा। इसका फार्मूला पे आते हैं, तो इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है, देख पा रहे होंगे ये बेंजीन है। ठीक है, ये बेंजीन है, दोनों ही बेंजीन है। अब दोनों बेंजीन से एक एक क्लोरीन जुड़ जाता है, अब यहां पे CHCl CH3 CCl3। ठीक है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं डाइक्लोरो यानी कि दो को क्लोरो, डाइफेनिल यानी कि दो को बेंजीन को यहां फेनिल बोला जाता है, डाइफेनिल और ट्राइक्लोरो, ट्राई मतलब तीन को क्लोरो एथेन, एक कार्बन और दो कार्बन, तो इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों डीडीटी। तो ये डीडीटी का फार्मूला है, उसके नीचे आप फार्मूला भी लिख लेंगे कि डीडीटी का फार्मूला क्या है, डीडीटी का पूरा नाम क्या हुआ, तो डीडीटी का पूरा नाम हो गया D4 डाइक्लोरो, एक क्लोरो दो क्लोरो, फिर D मतलब डाइफेनिल, मतलब डाइबेंजिल भी बोल सकते हैं इसको, दो को बेंजिल डाइफेनिल।
टी मतलब ट्राई क्लोरो, तो ये तीन गो क्लोरीन है इसलिए ट्राई बोला गया, एथेन क्योंकि एक कार्बन और दो कार्बन, तो दो कार्बन के लिए आता है एथेन, ठीक है। तो ये डीडीटी के बारे में हम लोग सीखे। फिर उसके नीचे ये फार्मूला के नीचे एरो देंगे, लिखा जाए जब क्लोरोबेंजीन को, जब क्लोरोबेंजीन को, जब क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो, जब क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो डीडीटी का निर्माण होता है, डीडीटी का निर्माण होता है, ठीक है। बताते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। अच्छा पहले बता ही देते हैं क्योंकि, चलिए सबसे पहला बात कि डीडीटी का पूरा नाम देख लिए, डीडीटी का फॉर्मूला देख लिए, फिर क्या बोला कि डीडीटी जो है वो बनता कैसे है भाई, वो अब समझ रहे हैं। तो डीडीटी बनता कैसे है, डीडीटी का निर्माण क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में जरा हम लोग सीखें तो पता चलेगा कि डीडीटी का जो निर्माण होता है वो किसके साथ होता है। तो जब कोई क्लोरोबेंजीन यानी कि क्लोरोबेंजीन को किसके साथ अभिक्रिया कराया जाता है, क्लोरल के साथ, ठीक है। जब क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है दोस्तों, उसका निर्माण होता है हम लोगों का डीडीटी। अब जरा समझते हैं कि डीडीटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है उस सवाल में, ये पूछता हुआ है, वीवीआई कर दीजिएगा कि डीडीटी कैसे बनता है, सवाल आता हुआ है कि डीडीटी का निर्माण कैसे होता है, या फिर ये पूछता है कि क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, हम क्या बोलेंगे, डीडीटी बनता है, ठीक है। चलिए क्लोरोबेंजीन का तो फार्मूला पता ही है आपको, क्या होता है फार्मूला, क्लोरोबेंजीन का होता है बेंजीन रिंग से क्लोरीन, ठीक है, बेंजीन रिंग से क्लोरीन। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है जरा देख लीजिए, बेंजीन रिंग से ही जुड़ा रहेगा क्या, तो क्लोरीन जुड़ा रहेगा, ठीक है, और इसी के एक तरफ CH3CCl3 जुड़ा रहता है, ये दोनों कॉम्बिनेशन। और दोस्तों जब ये दोनों आपस में जुड़ता है वही हम लोगों को डीडीटी बनाता है। डीडीटी में क्या हुआ, तो दूगो बेंजीन रिंग, तो दूगो बेंजीन रिंग जोड़िए, आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं नो डाउट, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि फार्मूला में वैसे है तो वैसे ही लिखेंगे। देखिए यहां पे भी क्लोरीन जोड़ दिया गया, ठीक है, ठीक ना। अब यहां के बाद से CH3CCl3 आप देख पा रहे हैं ना, यानी कि यहां के बाद से एक हम लोगों का एटम्स जुड़ गया है CH3CCl3 और एक जुड़ गया है CLCl, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों डीडीटी, ठीक है, यही डीडीटी है। और डीडीटी मतलब कैसे, क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ कराते हैं, डीडीटी का निर्माण होता है। आप इन चीजों को रिएक्शन के तौर पे लिख लीजिए कि यही हम लोगों का रिएक्शन है, हालांकि ऐसे ही पूछता है बस नॉर्मल तरीके से कि क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ करता है, तो राइट आंसर इज डीडीटी, ठीक है। तो आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं, फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो, इसके नीचे लिखा जाए
डीडीटी का उपयोग, डीडीटी का उपयोग निम्नलिखित है, डीडीटी का उपयोग निम्नलिखित है, पहला में लिखेंगे चूंकि यह एक प्रभावशाली कीटनाशक है, चूंकि डीडीटी एक प्रभावशाली कीटनाशक है, अतः इसका उपयोग किसानों द्वारा पौधों पर लगने वाले कीटों को मारने के लिए किया जाता है। दूसरा, घर के आसपास मच्छर तथा मक्खियों को भगाने के लिए भी डीडीटी का प्रयोग किया जाता है। घर के आसपास मच्छरों तथा मक्खियों को भी भगाने के लिए डीडीटी का इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिलाकर भी हम लोग देखें कि डीडीटी कैसे बनता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, और अभी हम लोग देखें कि डीडीटी का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो किसानों द्वारा जो पौधों में लगने वाले छोटे छोटे कीट होते हैं, कीड़े मकोड़े, उसको नष्ट करने का काम करता है डीडीटी। ऐसे भी बोला जाता है ना एक प्रचार के माध्यम से, डीडीटी का छिड़काव कीजिए, ठीक है, फ्रेश रहने के लिए। तो कुल मिलाकर हम लोग डीडीटी का उपयोग देख लिए, जहां पे मच्छर मक्खी को भगाने के लिए भी किया जाता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा था इस बार, हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन, वो चैप्टर ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर आज खत्म हो गया, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर खत्म। अगले दिन से, अगले क्लास से हम लोग अगले चैप्टर दूसरा नंबर पढ़ेंगे, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनोल और ईथर, ठीक है। यानी कि जो ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है वो हम लोगों का खत्म हो गया है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।